शुरुआत में भूमिका का लाइन दल गए और भूमिका पर जरा सा देंगे भाव है क्या बेटा क्या भाव है जरा देखा है। गजब लेखनी तेरी कुदरत की मालिकी, अयध नंगे को नंगा बनाती गरी, किसी को लुटेरा किसी को कमे, नाच जैसा को वैसा नचाती गरीब, और पर्वत से खाई और दरिया से साथ, एक गागर में सबको घुमाती गरीब। गौरी शंकर जमाना कहाँ जाएगा, सूरज पूरब से पश्चिम दिखाती गरीबी। यही से गौर करेंगे मेरे बाबूजी, गरीबी आखिर होती क्या है। भूमिका लेकर के बिरहा की स्टोरी शुरू हो गई। एक लाइन शुरुआत में थे गजल का टुकड़ा बा, और कौन सा संकेत बा हमारे मास्टर साहब देते बाटे, कौन बा बेटा। ये लाइन दिल में एक लहर, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, जाने कैसी हवा चली है अभी, जाने कैसी हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी एक लहर से। बहुत बढ़िया भाव बिरहा के लाइन में दहल गल, और भाव क्या है जरा से देखा है कि क्या क्या होता, क्या क्या होता है इस जमाने में, क्या क्या होता है इस जमाने में, क्या क्या होता है इस जमाने में, आ लिखत कापी अलम तराने में, लिखते कापी कलम तराने में, क्या क्या होता है इस जमाने में, क्या क्या होता है इस जमाने में, क्या क्या होता है इस जमाने में। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। जरा सब तो जा देंगे बाबू, बिरहा के शहर के संगत में भाव लगी क्या बेटा। ललार लार ललरिया ललार लर लारा, जिला छपरा में अही रौली का दस्तान सही,
शिवनि सीता पति पत्नी थे चौहान सही पुत्र संजय जो 8 साल की उमरिया हो दूसरी रीता सुंदर गोदी में कुमरिया हो चलाता रिक्शा शिव मुनि बद नसीबी में रोटी के लाले पड़े लगने हैं गरीबी में पकड़ ली टीवी शिव मुनि बदहाल हुआ सवारी मिलती नहीं पैसे बिन कंगाल हुआ बीमार शिव मुनि भय पत्नी भी लाचार हुई बीमार शिव मुनि भय पत्नी भी लाचार हुई पति पत्नी में एक दिन थोड़ी सी तकरार हुई भैया जरा सब बात को समझ ले ताकि बिरहा समझने में दिक्कत न हो। छपरा रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर उत्तर अहिरौली गांव के रहने वाले एक छोटा सा परिवार मुखिया का नाम है शिवमुनि चौहान। शिवमुनि चौहान के पत्नी का नाम बा सीता और दोनों परिवार से भगवान दुई ठे औलाद भी रेले बाटे जोने एक ठे लड़का बा एक ठे लड़की बा। लड़के का नाम संजय और लड़की का नाम रीता। छोटा परिवार है लेकिन बड़ा गरीब है मजदूरी सदूरी के जीवन बितावत बाटे हैं। एक दिन की बात हमारे बाबूजी सीता चौहान कहते स्वामी खाली रोजी रोटी करे भरे डेली कमाए के लिए बात सजवे भर के हो राय जी कौन ऐसा व्यवस्था करा कि दो पैसा बचे लेकिन के पढ़ावे लिखावे के शादी ब्याह करके मर मकान बनावे कला तब करी का तो उनके छोड़ के बाहर भी न जा सकीला कल तक कुछ न तो उपाय करा। यह बात सोच करके एक दिन शिव मुनि चौहान छपरा रेलवे स्टेशन पर आए और आकर के एक भाड़े का रिक्शा लिए भाड़े का रिक्शा लेकर के और चलाना तो शुरू किया मेरे बाबूजी। लेकिन हमरे देहात में लोग कहावत कहला संगत से गुण होत है संगत से गुण जैसे ने रिक्शा चलावे शुरू कैले वैसे ने दो चार ठे उनका सथिया भी मिल गेले। रिक्शा चलाता है कमाई तो बढ़ी जरूर लेकिन कुछ आदत गड़बड़ हो गल। रोज सजिया के कमैला के बाद साथी में बैठ के भैया तू कितना पौला आपस में हिसाब हो 10 ठे तू दे दा 20 ठे तू दे दा 25 ठे तू दे दा मिलाए के साझी के रोज पाउच के पियाई शुरू हो गल। अब जब पाउच से नशा न हो तो धीरे धीरे आदत गड़बड़ायल वही पर दुई दुई चर चर चिलम गांजा चले लगल। अब जब और आदत गड़बड़ायल रेलवे स्टेशन से जब घरवा शिवनी चल है तो रास्तवा में 3-4 गो भट्ठा परत रहल वही भट्ठा पे कहे थरिया झरिया मारे लगल। झरिया का मतलब समझ बैठे लोग ने कचिया वो जो भट्ठा बनत है। आदत गड़बड़ा गल कहीं आटा ले जाए तो अलुआ न कहीं आलू लेके गल तो टमाटर भुला गल। बड़ी पत्नी परेशान है। एक दिन की बात है मेरे बाबूजी रात को जब 11 बजे रात को आज इंतजार कर रही है रात को आता है झोला कहीं दूसरे जगह छुटल बा आए के ढह गल चरपाई पर नशा में। आज जब चरपाई पर ढहल तो सीता अपने स्वामी से बात कर लेना कहा कर लेना तेन बड़ क्या बात है लाइन दे दिल गया भाव हमारे मास्टर संकेत दिलन बिरसिया के लाइन हो लेकिन अंदाज कर ई है कहा सीता परसो सैया अरे होली का त्योहार बाटी आ 3 दिन से मिलल नहीं भर पेट भो जाना आ संजय कहला हमके कपड़ा मंगाई द पापा रीता कहले पिचकारी और रंगाना। संजय बड़का लड़का उम्र 8-8.5 वर्ष के बाबूजी परसों फगुआ है ना एक का कपड़ा हो रंग से बिगड़ जाई का हम पैंट शर्ट ले आई बा ना तब तक 5 साल की हो बच्ची रीता तुलतुला है बोल पड़ल ये पापा हमला के लंग पितकाली ले आई बा ना ला समझावा। सीता बोल पड़ी अब बतियावा ये लड़कन से तू है बतियावा तब तो शिव मुनि चौहान खास तो चरपैया उठ के बैठ गई बाटे कहला कहो सीता ये सीता झूठा न डाटलू अरे फगुआ परसों बा तो सुना हमारी एक बात सुन ला का बतोलो न कि कहे शिव मुनि बिहाल अरे तिसने पर जाइब हम आ रुपया कमाइब कुल ही ले जाइब सामाना
संजय के कपड़ा पिचकारी रंग रितऊ की, अरे खेली हजा होली बानी पुआ पकावाना। ए सीता तुझे उठैन बोलैलू, हम परसों जाइब ढेर रुपया कमाइब, संजय तहरा के कपड़ा भी ले आईब, हमरे घरे भी पुआ पकवान बनी, ए रीता तहरा के रंग पिचकारी भी ले आईब। रात में कैसो कैसो बगैर खाना खाए बाबूजी पूरा परानी सूत गल हो, आज पूरा परिवार सूत गैलन। सवेर भल डेली की तरह शिव मुनि चौहान उठा, मेरे बाबूजी रिक्शा साफ किया है चल दिया, दिमाग में बात गुजरी है कल है फगुआ बा, आज ढेर मेहनत करे एक बार रुपया कमाए के हो, और यह सोचा चलत बिरहा में कलाइन तर्ज देव कर कौन की बेटा। यही तर्ज बा कि बोवली मोखी रावरा नदिया के तीरवा, लेकिन ले के सवेरे रिक्शा चलला बजरिया, के सवेरे रिक्शा चलला बजरिया, लेके सवेरे रिक्शा चलला बजरिया, मोरे नितावा न हो कैसे मनैबा त्योहार, मोरे रिक्शा वालों की लाइन में रिक्शा खड़ा करके सवारी का इंतजार करने लगा। लेकिन वारे भगवान कभी कभी आपने भी गजब कर दिया, भाव देखा होता क्या है। धीरे धीरे दिन बीतल, धीरे धीरे दिन बीतल, सामनिया राहिल रामा, भैल हड़ताल गाड़ी एको नहीं आइल रामा, हड़ताल गाड़ी एको नहीं आइल रामा, हड़ताल गाड़ी एको नहीं आइल रामा, भैली कमाई नहीं छवल से या नारिया, 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 मोरे मितावा न हो कैसे का कहरा मई बाजार, मोरे मितावा न हो कैसे का कहरा मई बाजार, मोरे मितावा न हो कैसे का कहरा मई बाजार। अरे बाप बाप, सवेरे से सवारी का इंतजार करते करते धीरे धीरे शाम हो गई, और जब धीरे धीरे शाम हो गई कोई ट्रेन नहीं आई, कोई सवारी नहीं मिली। शिव मुनि चौहान रिक्शे से उठा है, लोगों रिक्शा वाले साथी से पूछा लगल, आखिर भैया कोनो गाड़ी ना होता, एकर मतलब का बा, कल मर्दे ना जा रहा बेटा। आज चारों तरफ नक्सलवादियों ने रेलवे लाइन को उखाड़ दिया है, जगह जगह चक्का जाम भी किया है, कोई गाड़ी नहीं है। कुछ लोग कहना चला मर्दे बहने फगुआ है बाजार करके चल जाए घर, लेकिन शिव मुनि चौहान की जेब में फूटी कौड़ी नबा, घर पाभर राशन भी नबा, आटा भी नबा, दाल भी नबा, काल फगुआ बा काम लेके हम घर जाई। बाबूजी 10 से 11 बजे रात तक रिक्शे पर बैठा रहा, धीरे धीरे जब रात हो चली है, एक बार उतरा है रिक्शे से, गए एक दुकानदार के पास, दुकान बंद के भैया काल फगुआ है तनी हमें कुछ उधार राशन दे देता, कदर कर दे फगुआ और त्योहार के दिन उधार ऐसा न हुई, रोज उधार ले जाले ठीक हो, लेकिन होली में त्योहार के दिन हम उधार न दे। अक्सर लोग बोल दे, एक दुकान से दुई दुकान गल, तीसर के दुकान गल, जब कहीं उधार सौदा न मिलल आके अपने रिक्शा पर बैठ गल, यहाँ के बतिया पे हुआ छोड़ दी। और वही जब रिक्शा पर बैठा है, इधर धीरे धीरे रात घर हुआ लगल, जब 12-1 बजने लगा मेरे बाबूजी, तो देखे उसी रात को पति का इंतजार करते हुए पत्नी की हालत क्या है, बिरहा का गीत बदल गई। ओहो
हो यही गीत है लाई है क्या कि यही पार गंगा माई हो का इंतजार करते करते इतनी व्याकुल हो गई कि देखा बेचैन और होता क्या जरा देखा रतिया पहाड़ हो गई ले जो हद भी नुसार हो गई ले पापा नहीं भवन आइले हो रीता पूछ पापा नहीं रीता पूछ पापा नहीं हे बेटी तुहार पापा जरूरी है बिटिया मत रोवा बेटी जरूरी है काल फगुआ नवा ए लिए ज्यादा रुपया कमेली में थोड़ी लेट हो गल हुई लेकिन सीता के मनवा में तो दूसर बात बा घर में तारा कारी नहीं के क्या बात है रंग पिचकारी नहीं के बले नहीं सजनवा ले सीता झंका बले नहीं अपने पति का इंतजार करते करते पूरी रात बेचैन है नींद आईवन कर धीरे धीरे भिनसारा भल सवेर हो गल दिन उगल गल कहले का मतलब कि फगुआ का दिन आ गया आज होली के दिन आ गल आप इतना पंच गोसाई बैठल बाटी ऐ मेरे बाबूजी थोड़ा सा दिमाग लगाए फगुआ के दिन सवेरे सवेरे लैकन का पहरा होला दुआरे दुआरे लैका खाचा लगल आ इन्हें सीता घर में से भरा भरा से घर में स्वामी अलन ना लड़कवा पूछत बाटे माई पापा अलन ना बतिया का बा धीरे धीरे 8 बजल 9 बजल जब 10 बजे लगल फगुआ का रंग सभा पर चढ़ लगल आ तौली इकाईक घरवा में बड़का लड़का संजय रोवत चिल्लात आयल माई ए माई तनी बहरे आवा ना तनी हई देखबू का हो गल अरे हमरे बबुआ के हो के गल मतारी बड़ा बेचैन है और जब वो लड़का आयल है बाबू तो देखे एक बड़ी अनोखी बात कहल से लड़कवा का कहल संजय दुआरा सिरुवत गईल आई डललस रंग सोनुआ महू डाले जई बमाई देखा ना हमरे ऊपर सोनुआ रंग डाल दले ए मई तनी हमरो के देतु ना तो हम भी सोनुआ पर डलती मतारी के कलेजा फाट गल हे भगवान हमें इतना गरीब बना दिला कि हम अपने बेटवा के एक उड़िया रंग न दे सकती वो अपने कलेजा के टुकड़ा के अपने हृदय से लगौली न हम मई के दशा कौशन हो छतिया में पीरा भैली या कहीरा थैली गोदिया कहीरा दैले गोदिया कहीरा दैले आ नादिया के धार जस नया नवा भइले मत रो
बेटा मत रो, अभी अभी आपके पापा आएंगे, रंग ले है पिचकारी ले है तेहू जइहा और लड़का पर डलिहा जो उन्हें पर मन करियो करे पर डाल दिया। लड़कवा के कैसे समझा बुझा दिली, रात भी उपास कटल बा, दिन में भी चूल्हे में आगी नबरल, कुछ भी न बन ले पंचो। आज अब कुछ न बन ले साहेब, आज होली का त्योहार हो, 10 से 12 बजल, 2 बजल, 4 बजल लगल, सीता और बेचैन हो गई, धीरे धीरे शाम हो गल, लड़कन की भूख सताव लगल, मई कुछ खाना भी न देबू, पापा भी नहीं लन, पड़ोस से कुछ मांग करके ला करके बच्चों को खिलाती है, कैसो कैसो रतिया लेके ले मड़िया में बिता ले। लेकिन जब सवेर हो गई बाबू, एक बार वह पत्नी घबरा गई और घबरा करके बाबूजी सीता चौहान देखे सवेरा होते ही, दूसरे दिन दोनों बच्चों को लेती है और लेकर के चलली ने कहा विरह का भाव दे दल गल। ये हमारे बचपना का गीत बा और लाइन है, कौन सा गीत मुन्ना? ए कि कोरी कहा तारी या सासु दहियारी जमावली, कोरी कहा तारी या सासु दहियारी जमावली, आई अमृत डाहलली जोरा नवा राधा हो काधा मन मोहे, कुटिया से निकली है बहारावा सीता हो संजरीता के लिया, बच्चों को लेकर के और सीता घर छोड़कर निकल पड़ी। स्वामी को तलाशते हुए रास्ते से धीरे धीरे आई कहां, छपरा रेलवे स्टेशन। लेकिन जब वहां आती है दोनों बच्चे इतना व्याकुल बाटे, इतना रोवत बाटे कि देखा भाव दे दल गल। का मुन्ना कि रोवत तब बिहान भइल छोड़ा ली भवनवा, कहां वा हे रईला इनका पापा मोर सजनावा, कहां वा हे रईला इनका पापा मोर सजनावा। लड़का रोवत बाटे, पापा अब तो फगुआ बीत गल ना, हम कुछ न चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, माई रोदा बहिनी रोदा, चारों तरफ लड़का रो रो करके पापा के खोजत बाटे। उसी समय सीता चौहान रिक्शा वालों के स्टैंड पर पहुंची, मेरे बाबूजी इशारा करती है बेटे जरा जाकर के पता तो करो, रिक्शा वाले भैया लो हो सके बतावा तोहरे पता के। लड़कवा के दूरल गल, ए चाचा हमरे पापा के देखला, तोर पापा? कौन तोर पापा? कल हमार पापा भी रिक्शा चलावलन, तोर पापा रिक्शा चलावलन, का नाम बा? शिवमुनि। तो शिवमुनि के लड़का हुए, हाँ हौ जोन खड़ी बा ना वो हमार मम्मी बा, ओकरे संगे जोन हो बच्ची बा ना वो हमार दीदिया बा, हमार पापा परसों से घरे नहीं चचा, हमार पापा परसों से घरे न बाटन, बतावा ना। लोग अपने में रिक्शा वाले कल मर्दे शिवमुनि घरे न गई, अरे होली के एक दिन पहले हमन तो अपन अपन संभाल के घरे चली गई, लेकिन ओकर पता न बा। पूरे रिक्शा वाले बाबूजी छपरा के गलियों में शिवमुनि को खोजने लगे, लेकिन कहीं शिवमुनि रहा तब तब पता चला। चारों तरफ बाबूजी खोजते रहे, इधर पागल बन करके सीता घूम घूम करके अपने पति का तलाश करने लगी, कहीं कोई बताए दे हमारे स्वामी को पता कैसे खोजे थे बिरहा के। ऊ गीत लगी मुन्ना, यहां गीत का तर्जमा जो हमारे मास्टर साहब लाइन दलन कि पिया तावा बिड़िया, पिया तावा बिड़िया फुकतया तू आवा उड़तया व कचहरिया से बलम झुमत आवे। यही गीत के हमरे देहात में औरत कुल गावली कि आ जा एकादशिया बिहाने दुई दसिया तेरसिया के, आ जा एकादशिया बिहाने दुई दसिया तेरसिया के, होई हा सखी के गावनवा तेरसिया के। लेकिन रोई रोई खोजा सीता मिला ना साजा नावा कहारी गई ले, आ ढूंढ व्याकुला माया नावा कहारी गई ले।
जूठारी बटोरी कैसो लई काजी आवे आ पगलिन भिखारी नि बानी की दिनावा बीतावे छपरा के गलियों में ए गली वो गली खोज करके एक दिन नहीं मेरे बाबूजी धीरे धीरे हफ्तों बीत गया कहीं स्वामी का कोई पता है ना बा कुछ लोग बताओ ना यार रात 10-11 बजे तक तो दिखाई दिया जरूर लेकिन उसके बाद सिमुनी कहां गया कोई के कुछ पता ना बा बिचारी पागल होकर के दिन भर इधर उधर भीख मांग करके आती है प्लेटफार्म पर जूठी रोटी फेंकी हुई स्टेशन की जूठी रोटी मांग करके अपने खाती है बच्चों को खिलाती है धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन बीत गए पंचो जब हफ्ता 10 दिन बीत गए एक दिन के बाद स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठ करके सूखी रोटी अपने खा रही थी बच्चों को खिला रही थी कोई बगलिए में दुठिया नहीं बैठे देख ला मर्दी कैसन मेहरारू बा लड़कवन के खाना भी किया बा और अपने भी खात बा लेकिन रो तो लेते एक आदमी के मुहवा से निकल के छोल मर दे का पगलाल हवा अरे मर्द कौनो पागल है अब तो जब पागल लोग बोल देले हे मरे पंचो तो आप खुद सोच लें जो विपत्ति की मारी लोग पगली जब कह दे सीता बेचैन हो गल को हो लोग हमके पगली समझ लगल हैं तो एक दिन पगलाए गल सचेहू हो और सोच गल कि जहाँ के लोग हमें पागल घोषित कर दिले ये नगर में रहल ठीक न बा यही सोच करके और एक दिन सीता चौहान करती क्या कवि जी को टेक लिखना पर भाग दिया किस्मत का भी तमाशा देखिए तो रजनी से हर गई दिन कर भी दे गए झांसा सीता चौहान बाबूजी दोनों बच्चों को लेकर छपरा रेलवे स्टेशन पर बैठी है जब लोग पगली पगली कह लगना कहीं स्वामी न मिलत बा विपत्ति की मारी वह सीता एक दिन एक काम कर गल और वह काम कौन सा कर गई एक लाइन गोरखपुर वाली तज लगल मास्टर कौन गल क्या कि बचवन के ले के चाली दिया ली मातारिया मोरे राम चाला ली मातारिया मोरे राम चाला ली मातारिया अड्रनवा पहोई की सवार नूरा छपरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है समझ गई सीता की पगली जब यहाँ हम पागल हो गई नगर में रहल ठीक न बा दोनों लड़कन के लहले है लेकर के ट्रेनिया में चढ़ गए पता न बा कि ट्रेन जाएगी कहां लेकिन मेरे भाई जो ट्रेन छपरा से खुली है सिवान के रास्ते भटनी आती है भटनी होते देवरिया के रास्ते गोरखपुर की तरफ चलने लगी और धीरे धीरे गोरखपुर से बढ़ते हुए बस्ती महाराजगंज खलीलाबाद होते गोंडा के रास्ते वो ट्रेन पहुंची कहां जरा देखा है भाव दिया गया है कि ट्रेनिया रुका लाला खाना के टिसनिया मोरे राम लखना अतल भुखिया लगल बाबरी धीरे वह ट्रेन बाबूजी रात को 10:30 बजे करीब लखनऊ जंक्शन पर पहुंच गई जो यात्री थे टैची खोल करके अपने खाने का सामान निकाल करके भोजन करने लगे लड़कों को लेकर के गली में बैठी है सीता लड़कवन के टुकु टुकु ताकत है लड़कवा मतरिया के ताकत बाटे माई भूख लगल बा कुछ खाए के न देबू बाबू का दही अच्छा रुका ये साहेबी कौन स्टेशन बा लोग बतुड़नी लखनऊ है यहाँ ट्रेन आधा घंटा 45 मिनट घंटों रुक सकती है कोई बात नहीं है कल की बेटा तब में बैठा लोग अब हम रोटी हम लेके आवत बाटी और रोटी के जुगाड़ में नीचे उतर गई जब प्लेटफार्म पर उतरी है वही समय रीता बच्ची के से निकल गल ये मई रोटी लेवा जातू ना एक काम करा मई कि तनी हमरा के पानी लेता आया आज भी बात सुन ले कल हां बेटी अभी पानी भी लेके आऊंगी और सीता प्लेटफार्म पर उतरी है बाबू और रोटी मांगने के चक्कर में वहां जाती है खोमचे के पास ठेले के पास जहां लोग भोजन कर बाटे भैया तनी दूर ठे रोटी दे देता हमर लड़का भूखाल बाटे हमर बच्चा भूखाल बाटे तनी से दूर ठे रोटी दे दा ओई में केउ देत बा कोई डांट देत बा बाबूजी सीता आगे बढ़ती जा रही है दो चार रोटी पोलिन है एक हाथ में ले ले हैं याद पड़ल कि बबनी पानी मंगल से पानी मिली कैसे बाबूजी सोचने लगी हो सीता चौहान एक थे प्लास्टिक का पन्नी उठौली ना
प्लास्टिक का झिल्ली जे के देहात में कहल जले, प्लास्टिक का थैली उठौली ना, वही में एक जगह पानी रोकली ना, जो खाद में झिल्ली में पानी ले ली ना, दो चार रोटी भइल बा, सोच गइली कि दो चार ठेउर मिल जाई तो हम भी खा लेब, हमार बचवा भी खा ली है, यह सोच के तनी और मंगले के चक्कर में आगे बढ़ लगली। लेकिन रोटियां मंगले के चक्कर में आगे बढ़ती, एक हाथ में झिल्ली में पानी, दूसरे हाथ में सूखी रोटी, लेकिन तौले भयल का तनी है ही देखा कि जुठरी बटोरे माई नीचा वाव तारने मोरे रामी जा वाव तारने मोरे रामी जा वाव तारने तौले ट्रेनिया खुलल बाती बारन रोटी मांगने के चक्कर में सीता चौहान कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि समय का ध्यान नहीं रहा और ट्रेन हारन देती है, चलने लगी। कुछ देर जब चली है का एक सीता के दिमाग में, हे भगवान कहीं हमारे ट्रेन यात्रा न चलत बा। जब मुड़ के देखती हो, अरे यही ट्रेन है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो तो वो बैठे हैं वो अगले डिब्बे में, वहीं से एक हाथ में रोटी दूसरे हाथ में प्लास्टिक की पन्नी में पानी बाबू लेकर के दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते डिब्बे के करीब पहुंची है, लड़का भी उनसे झांकत बाटे, माई मम्मी मम्मी तनी दौड़ के आवा। कुछ लोग बोलना कि अरे पगली ट्रेन तेज हो जाएगी, किसी डिब्बे में चढ़ जाते रे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन माई के करेजा बड़ा कोमल होला हो, हमार बाबू वहां उमन तो हम यहाँ कैसे चढ़ी। कैसो कैसो गेट के पास पहुंची मेरे बाबू जी, और जब गेट के पास पहुंची है, आप देखे होंगे गेट पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के द्वारा गेट के बाहर पाइप बना होता है, जौने हथवा में प्लास्टिकवा वाले पन्निया में पानी ले लही, वही हथवा के लपक के फेकलिन आ पाइपवा पकड़ लिन तो जरूर, लेकिन प्लास्टिक में पानी रहल ना, ये पंचो जब चोट लगल उधर लड़ल है प्लास्टिक तो प्लास्टिकवा फट गल, पानी नीचे गिरे लगल और हाथ का प्लास्टिक धीरे धीरे सरकस शुरू हो गल। आ जब सरकस शुरू हो गल तो वह भल जौन खुदा को मंजूर था मेरे बाबू, का भल तनी देखा कि दौड़ी के पकड़ी गेट पागल मातरिया मोरे राम पागल मातरिया मोरे राम पागल मातरिया हो तोरे गिरी प्लेट पार माझारन हो राम गिरी प्लेट पार चौहान एक बार एक बाबू जब हाथ छलकता है सीढ़ियों पर पैर नहीं पड़ा और दोनों पैर प्लेटफार्म के नीचे चला गया, जमीन पर धड़ाम से गिरी है और धड़ाम से गिरल कब बेहोश हो गई ले साहेब कोई के पता न बा। एका एक ट्रेन गुजर गई, भीड़ लग गई, ए साहेब कौनो औरत बा, ड्रेस से लगत बा कि भिकमंगी बा, हाँ नाथ बा, बाबू जीआरपी के जवान आए उठा करके हॉस्पिटल के तरफ ले जा रहे हैं। और जब हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं मेरे बाबूजी, डॉक्टर लोग देख रहे हैं, दवा तो शुरू हो गई, यहाँ की बात आप यहीं छोड़ दें, हॉस्पिटलाइज हो गई औरत, ट्रेन भगल लगल दोनों लड़का रोवे शुरू कर दिले हो, ट्रेनिया के लोग बात देखत बाटे कि नहन के संगवा जोन वो औरतिया रहल लगत बा, माई रहल छूट गया, लोग मनावल बाबू मतरोवा तोहर माई मिल जाई, अगले डिब्बा में हो अगले स्टेशन मिल जाइ, कोई बिस्कुट दहल कोई पैसा दहल कोई पानी दहल खाए के लड़कवा वही। आप देख गलियारा में जोन दोनों तरफ से चढ़ने के लिए ट्रेनों में गेट होता है बाबू, गलियारा में दोनों भाई बहन एकाएक गले में गला लिपट करके दोनों बच्चे रोने लगे और रोते रोते हालत क्या हुई बाबू, गीत के भाव दहल गल कामना, गीत लगल तर्क भेजल भाव कि तूने अजब रचा भगवान, लाइन दे दी गई कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का माता को याद करते हुए दोनों बच्चे उस डिब्बे में रोने लगे और रोते रोते जो भी बाबूजी ट्रेन में बिस्कुट वगैरह मिला था वही के खाए के दोनों गरवा में गरवा मिलाई की वही ट्रेनवा के गलियरवा में दोनों भैया बहनिया सूत गई ला। आ जब सूत गई ला तो कब रात बीत गई, कहां ट्रेन चल गई दोनों लड़कन के पता न हो, आ तौले ट्रेन पहुंच कहां गलत नहीं है देखा, वही दिल्ली के दरम्यान वही दिल्ली के दरम्यान ट्रेन जब आइल बा दिल्ली के दरम्यान
धीरे धीरे भयल बिहार देन जब आइल बा बच्चा रोए दुखारी हो कहाँ गईलू महतारी हो क्या कुल नैना परेशान व्याकुल नैना परेशान ट्रेन जब आइल व्याकुल नैना परेशान ट्रेन जब अरे बाप बाप धीरे धीरे वह ट्रेन बाबूजी जो बिहार से चली है अपने गंतव्य स्थान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। और जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई भोर के 5:30 बज रहे थे, यात्री अपना अटैची कटैची लेकर उतरने लगे। रास्ते में बच्चे है हटो उठो उठो, पीछे से कोई धक्का दे रहे तो बोले कोई बोले भैया बोला मत हो मारा मत मर दे यूह लड़िकवा बाटे जो उन्हें कमाई कहीं छूट गए। अब दो आदमी का मनौता जगह लड़कन के जुगाए की अल्लाह की प्लेटफार्म पर नीचे उतार दिले जगाए के जब नीचे उतरल कहना बेटा देखो यहीं सारे लोग उतरेंगे, ट्रेन भी यहीं तक जाएगी, यहीं तेरी माँ भी उतरेगी और यहाँ से वहां तक लोग उतर रहे हैं, जरा देख लो तेरी माँ यहीं मिल जाएगी। भैया बहनिया का हाथ पकड़ ले पंचो ले करके और आगे से पीछे पीछे से आगे बाबूजी दौड़ता रहा। सब लोग उतरे, जो उतरा बाबू अटैची कटैची लेकर के बाहर जाने लगा। मेरे बाबू यही नहीं, खोजते खोजते पूरा प्लेटफार्म सुनसान हो गल। लड़का सोच गल कि हमार माइक का तो उतर के आ जैसे ये लोग सगरी लोग ऊपर आ जाते हूँ। आप लोग देख ले हर रेलवे स्टेशन पर बाबूजी स्टेशन से प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म और प्लेटफार्म से स्टेशन के बाहर जाने के लिए ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है। लोग ब्रिज पर चढ़ करके वहां से निकलने लगे। जो भाई नई दिल्ली गए होंगे वहां भी दोनों तरफ निकलने का रास्ता है। जब आप पश्चिम तरफ निकलेंगे तो पहाड़गंज नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन का मेन गेट और जब पूरब तरफ निकलेंगे तो अजमेरी गेट का निकास। लोग चढ़ने लगे। वही समय भैया के दिमाग में आल कहला संजय की बहनी रीता तने वो काम करता का करतो वही जो बोला था लड़का कि बहनी के बिठा के भाई हो अरे बहनी के बिठा के भाई हो आ चढ़ाओ बर ब्रिज पर जाई हो माई के खोजे हराम माई के खोजे हराम ट्रेन जब आइल बा अपनी प्यारी बहना कोई ब्रेंच पर बैठा दलस जहां यात्री विश्राम करते और अपने वही ब्रिजवा पर चढ़ गल की माई कहीं ऊपर आ गई नहीं। अब हम खोज के लेके आवत बाटी। लेकिन बाबूजी भीड़ भरा इलाका ऊपर ब्रिज पर चढ़ा तो जरूर लेकिन माई पूरब गई लीन कि पश्चिम गई लीन। अब वो लड़का के दिमाग बा काम करत न वही जा एक चक्कर दू चक्कर न चलस धगिलस पश्चिम का रास्ता और ऊपर ऊपर ब्रिज पर खोजते खोजते और रेलवे स्टेशन के बाहर चला गया यानी पहाड़गंज नई दिल्ली मेन गेट के तरफ। और जब दिल्ली के भीड़ भरे इलाके में उतरा मेरे बाबूजी वह बच्चा उस भीड़ में गुम हो गया। और जब भीड़ में गुम हो गया धीरे धीरे घंटों बीत गए। वह बिटिया रीता मात्र बाबूजी 5-5.5 साल की उम्र बच्ची हमार भैया गईलन लगत बा हमारे माई के पा गईलन हो न हो अलन ना चला तनी देखी भैया ऊपर कहीं माई के लेके हुआ हमारे के भुलात ना गईलन। लड़किया भी वही जो उठल बा उठ के वही ऊपर चढ़ लगल और ब्रिज पर सहारा लेके जब ऊपर गई तो ऊपर के बुझात बा कि भैया एने गईलन कि ओने गईलन। पूरब का रास्ता लड़की पकड़ती है बाबू और पूरब अजमेरी गेट के तरफ बाहर निकल गई। कहले का मतलब कि भाई बहन दोनों भी यहीं बिछड़ गए। और जब दोनों यहीं बिछड़लन हो तो देखें विधाता का गजब करिश्मा। अब यहां का बात आप यहां छोड़ दें, हम आपका दिमाग ले आवत ही लखनऊ में जिस लखनऊ रेलवे हॉस्पिटल में सीता चौहान भर्ती है मेरे बाबूजी। डॉक्टर दवा तो शुरू कर दिए लेकिन देख रहे कोई लावारी से
और जब उसका निरीक्षण किया गया तो हे साहेब ये ठेंगुनवा से जो निचवा दोनों हड्डियां हो खले दोनों पैर का दोनों हड्डी जब प्लेटफार्म पर गिरी है तो नीचे दोनों पैरवा चल गल हल और दोनों गोड़वा का दोनों हड्डिया निचवा का एकदम दबाए के धुरकसाए के भुकनी हो गए रहल सब हड्डी एकदम चुरकनी हो गल बा। अब डॉक्टर सोच गिल कि एक जोड़ला से जुटी न एलिए कम से कम लेवा के झंझट मोल ले बजाई ठेंगुनवा पर से दोनों गोड़वा काट के लोग निकाल दे।